वाहन चोरी जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार करने में तहसील पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस दरमियान पुलिस ने आरोपी से कुल 1,62,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार तहसील पुलिस 22 अक्टूबर को कश पर थी, जिस दरमियान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि 4 से 5 व्यक्ति गार्डलाइन पहलवान शाह बाबा दरगाह के पास गली में सेंधमारी करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने उन 5 व्यक्तियों को धर दबोचने की तैयारी की। हालांकि इस दरमियान एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ, जिसकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई थी, जिसके चलते 29 अक्टूबर को तहसील पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 22/10/21 को रात को हमारे नेतृत्व में PI बाकुल और स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहा था, तब पहलवान शाह दरगाह गाइडलाइन के पास डकैती के लिए 5 कुछ लोग बैठे थे और उनको 4 हिरासत में लिए थे और एक भग्गा था जिसका नाम संजोग लीलाधर होले, उम्र 21 साल, टिमकी कुलबा स्वामी वाचनालय के पास, ये उस टाइम भग गया था। उनके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में दिनांक 22/10/21 को अपराध नंबर 910/21 कलम 399(4)(2) IPC रजिस्टर हुआ था। उसको सर्च करते हुए हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंडे उनके पतक को कल संजोग लीलाधर होले मिल गया, उसको पुलिस में ला के उसको उस गुंडे में अरेस्ट करके पूछताछ की तो उसके पास से मोटरसाइकिल चोरी के 4 गुंडे डिटेक्ट हो गए, जिसमें 4 मोटरसाइकिल्स उसके तरफ से जब्त की गई और घरपोड़ी का 1 गुंडा डिटेक्ट हो गया और इतर चोरी के 3 गुंडे, ऐसे कुल मिला के 8 गुंडे उसके पास से डिटेक्ट हो गए। उसमें से मोटरसाइकिल के 4 गोरी में 4 मोटरसाइकिल और 399(4)(2) में जो उसने मोटरसाइकिल यूज किया था, इस प्रकार 5 मोटरसाइकिल उसके पास से जब्त किए। गिरफ्तार आरोपी का नाम संजोग लीलाधर होले होने की जानकारी भी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। इस दरमियान उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।